खरगोन के सनावद में एक मंद बुद्धि नाबालिग के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जबकि परिजन का आरोप है कि पास में रहने वाला शिव नाम का व्यक्ति नाबालिग से छेड़खानी और गलत हरकत करता था। इसी बात से परेशान नाबालिग के पिता ने जीवन लीला समाप्त की है। बता दें, शिव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस ने पास्को एक्ट धारा के तहत कार्यवाही की है, जबकि परिजन का आरोप है कि नाबालिग के पिता आरोपी के खिलाफ जब थाने पर रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे, उस समय रिपोर्ट नहीं लिखने की दशा में नाबालिग के पिता ने मौत को गले लगा लिया। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल करके उचित कार्यवाही की बात कह रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। और जीतन मेरा भांजा था, और मेरे भांजाओं ने सुबह मुझे बताया इतनी घटना में, वो आजन लेके गया थाने में। थाने में कैसा में एफ आर दर्ज करी और पूर्व में जो घटना करी थी गनकोर पे, वो आवेदन भी उससे दिलवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी। ये जो शिव था, ये घर के आसपास ही रहता था आपके? यहाँ पर ये मंदिर के पीछे रहता है। तो ये जिस तरीके से पहले बताया कि पहले आदतन था, उसने पहले भी ऐसी कोई हरकत की थी क्या, जिसके अंदर 3 महीने उसको जेल भी रहा वो? अरे वो आदतन इस मामले में है, इस मामले में एक की बहू को छेड़ा था, उस मामले में भी उसके पास खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई। अब क्या चाहते हैं, किस तरीके से न्याय चाहते हैं? कार्रवाई हो। पर मैं मुझे मेरी साली मंजू का फ़ोन आया कि जिया जी बच्ची के साथ में, जीतू की लड़की के साथ में, शिव नामक लड़के ने गंदी हरकत करी है। तो मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, थाने पे जाओ और उसकी FIR दर्ज करवाओ। वो जब थाने पे गए, तेजस मेरा एक भतीजा है धर्मेंद्र का लड़का, वो भी साथ में गया। ये कितने बजे की घटना थी? ये कल करीब 3 बजे की घटना है। तो ये लोग थाने पे गए तो इन लोगों को जो है टरका करके भगा दिया गया, इनकी FIR दर्ज नहीं करी। फिर मैंने ऑनलाइन शिकायत भोपाल करी, भोपाल से फिर मुझे फ़ोन आया कि आप वापस इनको थाने पे भिजवाओ। फिर मैंने इनको थाने पे भिजवाया, फिर इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मेरा साला भी गया जितेंद्र, उसको भी भगा दिया गया। वो रुष्ट होकर के उसने शाम को करीब 10-11 बजे के अंदाज में उसने फांसी लगा ली, और फांसी लगाने से उसकी जो है मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना यह है कि हमने FIR दर्ज कर ली थी, आवेदन ले लिया था, आरोपी को बिठा लिया था। नहीं, पुलिस का ये कहना सब गलत है। अगर उसको बैठा लिया था तो फिर उसको छोड़ा क्यों? उसकी जमानत होना थी, उसकी जमानत भी नहीं हुई। बगैर जमानत के उसको फिर छोड़ कैसे दिया गया? ये जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर आपके साले साहब ने आत्महत्या कर ली है, वो किस कारण था? इतना क्या हो गया था कि उनको वो परेशान हो गया? उसने कहा एक तो मेरी बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने की इसने कोशिश की है, और एक बार पहले भी उसने कोशिश कर चुका हो गणगौर के ऊपर। दिनांक 6/4 की घटना है ये, उस दिन भी इसने गंदी हरकत करी, और फिर उसको जब पकड़ा तो उसने माफ़ी वाफ़ी मांग करके वो पतली गली से निकल गया। उसके बाद में उसने कल फिर दोबारा मेरी माँ तुझे बुला रही है, और इस तरह से घर पे बुलाने का उसने झांसा दे करके और गंदी हरकत करी है। ये शिव जितेंद्र को भी धोस वोस देता था क्या? ये तो मुझे जानकारी में नहीं है कि धोस वोस देता था, लेकिन कल के घटनाक्रम के बारे में मुझे पूर्ण जानकारी है, और मैंने इनको थाने पर भेजा था जहाँ से इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। इससे रुष्ट होकर के और मेरे बच्ची के साथ में जो है दुष्कर्म करने का उसने शिव ने प्रयास किया, इससे वो क्षुब्ध हो गया था और उसने इससे फांसी लगा ली और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको। ये जो शिव ने जिस तरीके से प्रताड़ित किया और उन्होंने आत्महत्या की है, इसको लेकर न्याय किस तरीके से मिल पाएगा आपको? न्याय, न्याय हम आज गए थे थाने पर, हम पुनः गए थे, हमको आश्वासन आज मिला है। अब देखते हैं हम शाम तक क्या होता है। हम अभी अंत्येष्टि का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये निपटाने के बाद में वापस में TI वगैरह से मैं मिलूँगा। ठीक, थैंक यू। पास का जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, और उसको लेकर उसकी कोई नाबालिग लड़की का मामला था, क्या है सर? ये कल एक थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची है जिसे शिव नाम का व्यक्ति उसको परेशान करता है। उसी बात को लेकर थाने में आवेदन दिया था, जिस पर कि TI सनावत ने उनको पकड़ने के लिए तुरंत भेजा था, तस्दीक करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए भेजा था, लेकिन उस समय लड़का नहीं मिला था। उसके बाद में उसी की रिपोर्ट पर, जो उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उसकी रिपोर्ट पर एक अपराध थाने पर 354 का 7/8 पास्को एक्ट, बच्ची नाबालिग होने के कारण 7/8 पास्को एक्ट का भी कायम हुआ है। चूँकि जो बच्ची का पिता है जितेंद्र, उसको भी जो आरोपी है शिव परेशान किया करता था,
इसी बार जब वो मना करता था, झगड़ा करता था उससे और उसे लड़की के पिता को प्रताड़ित करता था, उसी को ऐसा उनका आरोप है कि उसी को लेकर, उसी प्रताड़ना को लेकर उन्होंने आत्महत्या भी कर ली, जिसमें हमने मर्ग पंजीबद्ध किया है। सबके साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सर आरोपी अभिरक्षा में है कि गिरफ्तार? आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। ठीक सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।